हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू नवधास किचन वंस अगेन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत यमी एंड डिलिशियस कचालू चाट, जो हमें जनरली बहुत जगह हमें खाने को मिलती है एंड भी रिलिशियस। चलिए आज देखते हैं फटाफट के हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये 1 kg कचालू लिया है। 1 kg कचालू आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा। आप इसको लीजिए, इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। इस तरह से हमें गोल वाला कचालू लेना है, लंबे वाला रतालू नहीं लेना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको वॉश कर लीजिए और इसको 2 टुकड़ों में काट लीजिए। काटने के बाद आप इसको प्रेशर कुकर में डालिए, इतना पानी डालिए ताकि आपके कचालू उसमें कवर हो जाए, और उसको स्टीम कीजिए। जैसे ही एक विसल आ जाए, विसल आने के बाद आप अपनी गैस फ्लेम लो कर दीजिए। लो करके उसको आपको 5 मिनट तक रखना है। 5 मिनट के बाद आप ऑफ कर दीजिए और अपनी जो प्रेशर कुकर की स्टीम है उसे नेचुरली रिलीज होने दीजिए। ये अब उबल कर ठंडे हो गए हैं हमारे कचालू। हम इनको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बिल्कुल आलू की तरह इतना करना है। ये देखिए, ये आराम से भरा है, थोड़े फर्म रहे ताकि हम इसके छोटे छोटे पीसेज आराम से काट लें। बिल्कुल गले हुए, बिल्कुल मैश्ड नहीं होने चाहिए, थोड़े से फर्म होने चाहिए। तो इसलिए इसको विसल देने के बाद 5 मिनट सिम रखकर फिर नेचुरली प्रेशर रिलीज होने दिया है, और तब ये बिल्कुल ठीक गल कर आया है हमारे कचालू, बिल्कुल सही सॉफ्ट हुए हैं जितने हमें चाहिए और थोड़े फर्म हुए हैं। अब हम इन्हें पील कर लेते हैं। ऐसे हाथ से उतारने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आप एक नाइफ का यूज करते हुए इसको ऐसे करके पील। इसी तरीके से हम सारे पील कर लेंगे। ये सारे पील हो गए हैं, अब हम इनको स्लाइस कर लेंगे बारीक बारीक, बिल्कुल पतला पतला काट लेंगे। ये देखिए, जैसे ये है हमारा कितना बॉईल हुआ है, इससे भी आपको पता चल जाएगा। इतनी थिकनेस के काटेंगे हम इसके पीसेस, बहुत मोटे नहीं काटते हैं कचालू। बहुत आप देख रहे हैं कि हमारे बिल्कुल मैश हुए हुए, बहुत ज्यादा भी बॉइल्ड हुआ हुआ नहीं है कि वो बिल्कुल गल जाए, थोड़ा फर्मनेस है, इतनी फर्मनेस रखनी है। इसी तरीके से हम ये सारे कचालू अपने काट लेंगे, वो थिनली स्लाइस करेंगे। ये देखिए, ये हमारे सारे कचालू कट गया। अब हम इसमें अपने एक एक करके मसाले मिलाने शुरू करेंगे। सबसे पहले ये मैंने इस कटोरी में 1/2 चम्मच यानी 1/2 टीस्पून हींग लिया हुआ है, और ये 2 चुटकी नौसादर। नौसादर अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये बहुत इजीली जो परचून की दुकानें होती हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, उन पे मिल जाता है। जैसे फिटकरी होती है ना, फिटकरी की डली होती है, इसकी भी उसी तरीके से डली होती है, पीस में होता है एक, और उसको कूट के हम ये यूज करते हैं कचालू में नौसादर। ठीक है, ये मैंने 2 चुटकी नौसादर लिया है और 1/2 टीस्पून हींग लिया है। अब मैं इसको सबसे पहले पानी इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। ये थोड़ा सा, करीब 2 चम्मच पानी डाल लिया मैंने इसके अंदर। इसको 5-10 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी ताकि हींग फूल जाए और नौसादर इसमें अच्छे से डिजोल्व हो जाए। खट्टे कचालू बना रहे हैं तो हींग का फ्लेवर तो बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, तो इसके लिए हम इसको पहले पानी में भिगो के रख देंगे ताकि ये पूरे पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए और एक एक पीस पे अच्छे से लिपटे। इसके अलावा एक और हमारी प्रीवियस प्रिपरेशन होती है ये, इसमें मैंने 3 नींबूओं का रस लिया है और उसके अंदर अदरक को फाइनली स्लाइस कर दिया है, और 2 छोटी हरी मिर्चें फाइनली चॉप करके डालनी है। आप हरी मिर्ची ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, नींबू में भिगोने से अदरक का कलर भी पिंक पिंक हो गया है। मैंने जो मटरा बनाई थी तो उसके अंदर भी ऐसे ही नींबू में भीगी हुई अदरक डाली थी, तो वो भी ऐसी पिंक पिंक हो रही थी, ये भी ऐसी पिंक पिंक हो रही है। ये देखिए, ये 2 काम आपको थोड़ा कचालू बनाने से पहले करके रखने। ये नींबू में डाला है मैंने अदरक और हरी मिर्च, और वो हींग और नौसादर को थोड़ा सा पानी में भिगो दिया। इतने हम अपने बाकी मसाले डालने शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नींबू का रस ही डालते हैं। ये गया नींबू का रस, नमक, सब चीजें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, लेकिन कोशिश करके लगभग सारी ही डालें, क्योंकि जो चटपटे कचालू का टेस्ट होता है वो इन्हीं सब मसालों से आएगा। लाल मिर्च,
आप चाहें तो लाल मिर्च तीखी वाली ना डाल के सिर्फ देगी मिर्च डाल लें, जिससे हल्का फ्लेवर भी आ जाएगा और इसको बहुत अच्छा कलर भी आएगा। थोड़ा सा गरम मसाला, काला नमक, भुना हुआ जीरा, इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ये अपना हींग और नौसादर का जो पानी है ये भी डाल देंगे। आप सोचेंगे कि नींबू, हरी मिर्च, अदरक अलग अलग से भी तो डाल सकते हैं, तो उसमें हमने सोक क्यों करा? सोक करने से अदरक और हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाता है। बिलीव मी, इट टेस्ट रियली रियली गुड। बहुत ईजी है, बिल्कुल 5 मिनट में बनने वाली चीज है, बट टेस्ट तो एवर लास्टिंग है। ये मिक्स हो गया, अब आप चाहें तो इसको एक बार टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो और डाल लीजिए। अगर आपको उसका कलर जैसे देखने में अगर थोड़ा फीका लग रहा है तो उसके लिए मैंने आपको बताया, आप लाल मिर्च की जगह देगी मिर्च डाल लीजिए या दोनों थोड़ी थोड़ी डाल लीजिए, जिससे ये बिल्कुल आपके बाजार जैसे रेड कलर आ जाएगा इनके अंदर। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत सूखे हो जाते हैं तो आप इसमें एक चम्मच बीच में पानी डाल लीजिए। जिन सारे हमारे सूखे मसाले डले तो वो इसको ड्राई कर देंगे, और ये बिल्कुल ड्राई नहीं चाहिए हमें। इसमें नीचे हल्का सा आपका इस तरह से जो रशा होता है ये आना चाहिए हल्का सा, तभी अच्छे लगेंगे। तो इसमें हम एक चम्मच थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इवेंचुअली वो पानी आपका सूख ही जाता है। ये देखिए 5 मिनट में हमारी डिलीशियस कचालू की चटपटी चाट या खट्टे कचालू आप कुछ भी कह सकते हैं बिल्कुल रेडी है। आप प्लीज कचालू को रतालू से कंफ्यूज मत कीजिएगा। कचालू ऐसे गोल होते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, रतालू लंबे लंबे होते हैं। हमें इसके लिए कचालू ही चाहिए, यानी कि गोल वाले। इसमें आप थोड़ा सा ऊपर से ये हरा धनिया काट कर डाल सकते हैं, जिससे इसका अल्टीमेटली टेस्ट और एनहांस होगा, प्लस देखने में भी कलरफुल से बहुत अच्छे लगते हैं। रेडी है हमारी कचालू चाट? ये लीजिए, हमारी यमी डिलीशियस कचालू चाट इज रेडी टू बी रिलिश विद एनीथिंग यू लाइक। आप इसको दही भल्ले के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए, पुलाव में मिक्स करके खाइए, मटर कुलचा के साथ खाइए। दिस इज ऑल इन वन साइड डिश। सो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे चैनल के रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। सी यू अगेन सून विद अ वेरी न्यू रेसिपी। बाय बाय।